हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कोमल के किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए तोरई की रेसिपी लाए हैं और आज हम ये डिफरेंट तरीके से बनाना बताएंगे। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमने यहाँ पे तोरई ले ली है 1 केजी। हम इन्हें छील करके स्लाइस में कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे छील करके इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमें चाहिए एक प्याज। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 प्याज जो कि हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और अब हम इसमें दोनों प्याज अपने कट करके डाल देंगे। हमने पेस्ट बना लिया है अपने प्याज का। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है एक टमाटर और हम टमाटर इसको स्लाइसेस में काट लेंगे। हमने अपने टमाटर स्लाइस में काट लिए हैं। यहाँ पे हमने गैस पे अपनी कढ़ाई को चढ़ा दिया है और हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम जीरा ऐड करेंगे इसमें। जीरा हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें अपना प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। हमें हल्का ब्राउन करना है इसे। हमने यहाँ पे यही इसी कटोरी का यूज़ करते हुए इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, रेड चिली। ये आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपके पास जो भी मसाले हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाली है तोरई की सब्जी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें, बस इतना ही ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके का हमें ये पेस्ट रेडी कर लेना है। जब हमारा प्याज जो है भुन जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे ऐड करेंगे उसमें। हमने यहाँ पे एक आम लिया है जो कि स्लाइस में कटा हुआ है। ये ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए हमने एक पूरा आम ले लिया है। हमारा मसाला जो है, प्याज है हमारा, गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें अपना हल्दी वाला मिक्स जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। इसे चलाते हुए हम इसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर जो है पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट हो चुका है। साइड साइड से ये ऑयल ऊपर आने लगा है। हमारा मसाला जो है एकदम परफेक्ट भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी तोरई। इस तरह से मिलाते हुए हम अपनी सारी तोरई ऐड कर देंगे। हमने सारी तोरई को ऐड कर दिया है और मिक्स भी कर दिया है। इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि इसमें पानी छूट जाए। जब ये अच्छे से पानी छोड़ देगी तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरह से पता नहीं चलता है, क्योंकि तोरई जो है थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद में कम हो जाती है। तो इसमें हम पानी वो सॉरी सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद में। फ्रेंड्स, हमने उसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। अब हम इसे इसमें मिर्ची स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने स्लाइस में कट कर ली हैं 2 मिर्ची। वैसे तो उसमें रेड चिली का यूज़ हमने किया है, लेकिन हम ग्रीन चिली भी डालेंगे। मात्र 2 मिनट हुए हैं फ्रेंड्स। देखिए, तोरई ने अपना जो है पानी रिलीज कर दिया है और ये सॉफ्ट भी होने लगी हैं। फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम अपनी मिर्ची डाल देंगे स्लाइस वाली। इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, ढकने से पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच का यूज़ किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक ये हमारी रेडी हो जाएगी सब्जी।
फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे अपने टमाटर। इन्हें हम मिक्स कर देंगे, इस तरह से इन्हें अंदर दबा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं जल्दी से। फिर हम ऐड करेंगे अपने आम। आमों को भी इस तरह से हम दबाते हुए इसे अंदर कर देंगे ताकि ये जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे ढका रहने देंगे और ये हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स देखिए, हमारी डिफरेंट स्टाइल की तोरे की रेसिपी तैयार है और ये खाने में बहुत ही यमी बनती है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।